ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली, ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली। मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो, श्री कृष्ण है नंबर वन खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है, सभी नैनों पर रखते हैं। प्रश्न, लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? उत्तर, लौकिक में भी स्वीट फादर को ही कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है, हम उसके लवली बच्चे हैं। स्वीटेस्ट फिर टीचर को कहेंगे क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। गीत है मरना तेरी गली में, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं, बाप को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा अविनाशी है, वह शरीर की बात है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 साकारी बाप लिए हैं, वास्तव में हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्मा रहने वाली भी निर्वाण धाम शांति धाम की हो, जहाँ बाप के साथ सभी निवास करते हैं, उसे आत्माओं की दुनिया कहेंगे। तुम आत्मा भी वहाँ रहती हो तो बाप भी वहाँ रहते हैं, या लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो। सतयुग में तो बाप का कोई सिमरण नहीं करते, बुद्धि नीचे आ जाती है। उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा, इनको भी बाबा कहते हैं, वह भी फादर है। लौकिक बाप को यहाँ देखते हैं, पारलौकिक बाप को बुलाते हैं तो नज़र ऊपर जाती है। अभी तुम उस बाबा के बने हो, तुम जानते हो पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, दुखी हुए हैं, इसलिए बाप को याद करते हैं। यह वस्त्र माने शरीर पहनते हैं, पहनते पहनते अब तमोप्रधान बन गया है। पहले आत्मा और शरीर दोनों सत्वप्रधान थे, फिर आत्मा सत्व रजो तमो में आती है। पहले गोल्डन थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन में आए, इसको जेवर भी कहा जाता है, सोने में खाद डालते हैं ना। बाप समझाते, अब तुम आत्माएं पतित हो गई हो, सोना काला हो गया है, तुम काले इनप्योर बन गए हो। पहले तुम आत्मा प्योर थी, शरीर भी प्योर था, अब फिर प्योर शरीर लेंगे। क्या स्नान करने से तो कुछ होता ही नहीं है। आत्मा पुकारती है, हे पतित पावन बाबा, बाबा अक्षर कितना मीठा है, बड़ा अच्छा है। भारत में बाबा अक्षर है, बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माभिमानी बन बाप के बने हैं। बाप कहते हैं हमने पहले तुमको स्वर्ग भी भेजा था, पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुँचे हो। अंदर में सदैव बाबा बाबा कहते रहो। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनको ही सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। सभी अपनी अपनी भाषा में पुकारते हैं। जब दुनिया पुरानी होती है तब पुकारते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। यह भी तुम जानते हो, शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म बहुत लिख दिया है। तुम बच्चों को पक्का निश्चय है कि हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा है, मोस्ट लवली बाबा है। बाबा भी कहते हैं स्वीट चिल्ड्रेन, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में भी फादर ही स्वीट होता है, फिर स्वीटेस्ट कहेंगे टीचर को। टीचर अच्छा होता है फिर भी पढ़ाते हैं। कहा भी जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तो यह नॉलेज भी सोर्स ऑफ इनकम है। योग का याद, योग को याद, ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा कैसे आया यह किसी को भी पता नहीं है। चित्रों में त्रिमूर्ति है, शिव के ऊपर है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? करण करावन हार शिव बाबा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है शिव, वह हुई रचना, उनका रचता है शिव, वह निराकार है।
यह है साकार सृष्टि। सृष्टि चक्र है जो रिपीट होता है। सूक्ष्म तन में कोई सृष्टि का चक्र नहीं कहेंगे। यह मनुष्य सृष्टि ही चक्र लगाती है, बाकी न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में चक्र की बात है। अभी है कलयुग नरक, सतयुग है स्वर्ग। अब नरकवासियों को स्वर्गवासी कौन बनावे? वाम मार्ग में जाने से ही पतित हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन सुख से दुख में आते जाते हैं। दुनिया तमोप्रधान बन जाती है, तब कहते हैं यह बिल्कुल ही तमोगुणी बुद्धि है, यह बहुत सत्वप्रधान बुद्धि है। जैसे देवता समान है, वास्तव में पूजा देवताओं की होनी चाहिए, परंतु देवता तो इस समय कोई है नहीं, क्योंकि दैवी गुण उनमें है नहीं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को जानते हैं, उनको पूजते हैं। भारतवासी अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। नाम तो बहुतों के है, फलानी देवी फलाना देवता, परंतु वह गुण तो है नहीं। गाते भी है, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। आत्मा किसके सामने कहती है? बाप के सामने कहना चाहिए ना। बाप को भूल भाइयों के पीछे जाकर पड़े हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ब्रदर्स है ना, उनसे कुछ भी मिलने का नहीं है। ब्रदर्स की पूजा करते रहते हैं, नीचे गिरते जाते हैं। अब तुमको तो फादर से वर्षा मिलता है, फादर को कोई जानते नहीं है। फादर को सर्वव्यापी कह देते हैं, अरे फादर का नाम कह देते हैं, वह तो नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम एक और अखंड ज्योति स्वरूप कहते हो, फिर न्यारा कैसे कहते? यह भी समझते हैं, लॉ मुजीव, सबको तमोप्रधान बनाना ही है। लॉ मुजीव, सबको तमोप्रधान बनना ही है। फिर जब बाप आए, तब सबको सत्वप्रधान बनाते हैं। आत्मा को प्योर जरूर होना है। सब आत्माएं बाप के साथ रहने वाली है। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होनी है। तुम जानते हो अभी हम बाबा के बने हैं। बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ। रथ में जरूर आत्मा ही तो होगी ना। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी? यह तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है, सागर से बादल भरकर फिर बरसते हैं। आजकल साइंस की ताकत से पानी को मीठा बना देते हैं। नेचुरल बादल निकल कितने बरसते हैं, कितना पानी आ जाता है, बाढ़ हो जाती है, कहाँ से इतना पानी आता है? बादल ही खींचते हैं, बाकी इंद्रा आदि कुछ है नहीं। यह तो बादल भरकर फिर बरसते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान की वर्षा, यह नॉलेज है ना। इनसे क्या होता है, पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना नदी सतयुग में भी तो होगी ही। कहते हैं श्री कृष्ण वह खिलपाल आदि करते थे, वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। वह तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते हैं। बहुत अच्छा फूल है ना, फूल कितना प्यारा लगता है। फूल से ही सुगंध लेते हैं, कांटे से कब सुगंध लेते हैं क्या? यह है ही कांटों का जंगल। निराकार बाप कहते हैं मैं आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाता हूँ, इसलिए बबुलनाथ नाम भी रखते हैं। बबुल कांटों का फ्लावर बनाते हैं, इसलिए महिमा गाई जाती है, कांटों को फूल बनाने वाला नाथ। तो बाबा से कितना लव होना चाहिए। लौकिक बाप होते भी आत्मा पारलौकिक बाप को याद करती है, क्योंकि दुखी है। यह भी खेल है, तुम आधा कल्प से याद करते आए हो। वह आते हैं तब तो शिव जयंती मनाते हो। तुम जानते हो अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, हमारा संबंध उनसे भी है, लौकिक से भी है। बेहद का बाप कहते मुझे याद करने से तुम पावन बन जाओगे। आत्मा जानती है लौकिक बाप है, वह पारलौकिक बाप है। आत्मा पारलौकिक बाप को ही पुकारती है। आत्मा कहती है हे भगवान, ओ गॉड फादर। जब फादर घर में बैठा है तो फिर वो फादर कह क्यों पुकारते हैं? आत्मा उस अविनाशी बाप को याद करती है, वह कब आकर नई दुनिया रचते हैं। यह भी तुम अभी समझते हो। जरूर कहेंगे कि कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएगा। कलयुग की आयु फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। मनुष्य भगवान को पाने के लिए कितना भटकते हैं। सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? उनको तो पहले मिलना चाहिए ना। बाप ने समझाया है पहले भक्ति तुम ही शुरू करते हो। तुमको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। तुम पहले आसुरी गुणों वाले थे,
अब तुम दैवी गुणवान देवता बनते हो, इतने ऊंचे स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो, वहाँ ही हर चीज़ फर्स्ट क्लास होती है। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, तुम्हारे लिए वह हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक शिव बाबा से वर्षा मिल न सके, शूद्र वर्षा ले न सके। यह यज्ञ है ना, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता है। शिव को रुद्र भी कहा जाता है, तो यह रुद्र है ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव बाबा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। भक्ति पूरी होती है तो यज्ञ रचा जाता है। मनुष्य यज्ञ रचते भक्ति मार्ग में। सतयुग में देवताएं कभी यज्ञ आदि नहीं रचते, परंतु यह है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस नाम से शास्त्रों में भी गायन है, भक्ति और ज्ञान आधा आधा है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। ये बाबा समझाते हैं सदैव बाबा बाबा करते रहो। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है, मोस्ट बिलवेड बाबा है। उनसे जास्ती प्यारा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प बाप को याद किया है, अब जानते हैं वो उस बाप के हम बने हैं। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते, बाप को याद करो। सब तो यहाँ रह नहीं सके, हाँ उस बाबा के पास रह सकते हो। कहा कौन सा बाबा? उसका नाम है शिव बाबा। शिव बाबा के पास कहाँ रहेंगे? परमधाम में। वहाँ सभी आत्माएं रह सकती है, यहाँ तो नहीं रह सकती है। यहाँ तो थोड़े ही रहेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को नॉलेज लेनी है, यह पढ़ाई है ना। कोई भी मिलते हैं तो उनको यह बताना चाहिए कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। दुख में पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। वह बाप अब आया हुआ है, मोस्ट बिलवेड शिव बाबा है। श्री कृष्ण भी सबका मोस्ट बिलवेड है, परंतु शिव बाबा है निराकार और श्री कृष्ण है साकार। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वह है विश्व का मालिक। उनको भी बनाने वाला शिव है। दोनों ही प्यारे हैं, परंतु दोनों में जास्ती प्यारा कौन है? कहेंगे शिव। शिव ही श्री कृष्ण को ऐसा बनाते हैं। बाकी श्री कृष्ण क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। तमोप्रधान आत्माओं का बाप ही आकर सत्वप्रधान बनाते हैं, तो गायन उनका ही होगा ना। श्री कृष्ण तो बच्चा है, उनका डांस आदि दिखाते हैं। शिव बाबा क्या डांस करेंगे? बाप समझाते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो, शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। दूसरी कोई पार्वती है नहीं, अर्जुन भी एक नहीं, तुम सब अर्जुन हो। द्रौपदिया भी तुम सब हो। वो दुशासन है जो दंगन करते हैं, तब पुकारते हैं बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा कहते हैं बच्चे नंगन कभी नहीं होना। दिखाते हैं ना जब द्रौपदी को नंगन कर रहे थे, तो फिर श्री कृष्ण ने उनको 21 चीर दिए। अब 21 साड़ी पहनी जाती है क्या? यह भी जैसे एक खेल दिखाते हैं। श्री कृष्ण ऊपर से साड़ियाँ देते जाते हैं, अब 21 साड़ियाँ कैसे पहन सकेंगे? वास्तव में अर्थ यह है, बाप नंगन होने से ऐसा बचाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी नंगन नहीं होते हो। अच्छा, मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रेन प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान स्वीट बनना है, आत्माभिमानी होकर रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट, मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है। याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। वरदान, पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रूही बनाने वाले सहजयोगी भव। सहजयोगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रूही बन जाएगा। राई भी थोड़ा मजबूत कड़क होती है, रूई नरम और हल्की होती है, तो कितना भी बड़ी बात रूई समान हल्की हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे यह कैसे होगा, और आप कहेंगे यह ऐसे होगा। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो सहज ही हो जाएगा। यही सहज योगी जीवन है। स्लोगन है, प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे।
प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, शांति बाबा।